हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यन उपरमा और आज हम इक्वेशन टॉपिक्स के कुछ और क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इक्वेशन, आपके आईसीएआई के स्टडी मैट में जो एक्सरसाइज ई दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी हम एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑप्शंस की मदद से, ट्रिक्स की मदद से, तो ये क्वेश्चन हम काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है ये, पहला क्वेश्चन कहता है मंथली इनकम ऑफ टू पर्संस आर इन द रेशियो 4:5। दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है कि 4:5 आएगा। फिर बोलता है एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9, उनके एक्सपेंसेस का भी रेशियो दिया हुआ है। फिर एक और जानकारी हमें दी गई है, बोलता है इफ ईच सेव ₹50 पर मंथ, दोनों ₹50 बचा लेते हैं, देयर मंथली इनकम, हमसे पूछा जा रहा है उनका मंथली इनकम कितना है। मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही, अभी हमें नहीं मालूम कि कौन सा ऑप्शन सही है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन क्वेश्चन में दी गई सारी शर्तों को पूरा करेगा वो ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में कितनी शर्त दी हुई है, दो शर्त दी हुई है। पहली शर्त कि इनकम का रेशियो 4:5 आना चाहिए, दूसरी शर्त एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:9 आना चाहिए। जो ऑप्शन क्वेश्चन में दी गई इन दोनों शर्तों को पूरा करेगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या दिया गया है पहला ऑप्शन 500 और 400, तो एक व्यक्ति की इनकम है ₹500 और दूसरे व्यक्ति की इनकम है ₹400। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालें, इनकम का अगर आप रेशियो निकालें तो ये आ रहा है आपका 5:4। जबकि क्वेश्चन में हमें यह जानकारी दी गई है कि दोनों के इनकम का रेशियो 4:5 होना चाहिए। पहली शर्त ही पूरी नहीं कर पा रहा है, दैट वाई ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में हमें क्या इनकम रिपोर्ट की गई है 400 और 500। अब आप समझ पा रहे होंगे कि दूसरा ऑप्शन जो है वो पहली शर्त को पूरा कर रहा है। अगर आप 400 और 500 का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा आपका 4:5। चलिए पहली शर्त तो पूरी हो गई, दूसरी शर्त हम पता लगाते हैं कि पहला व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है। अगर ये ₹400 कमाता है और उसमें से ₹50 बचा लेता है तो खर्च कितना करता है ₹350। दूसरा व्यक्ति कितना खर्च करता होगा, दूसरा व्यक्ति कमाता है ₹500, उसमें से वो ₹50 बचा लेता है तो खर्च कितना करता है 450। हमें बोला जा रहा है कि इन दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 7:9 आना चाहिए। आइए चेक करके देखते हैं कि 7:9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 0-0 हो गया कैंसिल, और ये कैंसिल होगा 5 से 7 times, और ये 5 से कैंसिल होगा 9 times। दूसरी कंडीशन भी यहां पर पूरी हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन में दिए गए दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन रीड कीजिए, दूसरे क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखिए उसमें क्या बोला जा रहा है। बोलता है फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब हमें एक फ्रैक्शन पता लगाना है। फ्रैक्शन का मतलब ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कुछ न्यूमरेटर में होगा कुछ डिनोमिनेटर में होगा। फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। मतलब हमें एक ऐसा फ्रैक्शन बताना है जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज कर दिया जाए, मींस 2 ऐड कर दिया जाए, और डिनोमिनेटर को भी 2 से इंक्रीज कर दिया जाए, मींस 2 ऐड कर दिया जाए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करने पर जो नया फ्रैक्शन है वो 1/2 आना चाहिए। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। आगे बोलता है इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ इज इंक्रीज्ड बाय 12। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने की बजाय हम 12 ऐड कर दें तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो 3/4 आना चाहिए। ये हमें दूसरी कंडीशन दी गई है। अभी हमें नहीं मालूम कौन सा ऑप्शन सही है, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है और देखते हैं कि पहला ऑप्शन सच में करेक्ट है या नहीं। हमें फ्रैक्शन दिया गया है 3/8,
आप इसकी पहली कंडीशन चेक कर लो सर, आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर लो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 1/2। पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 2 द न्यू फ्रैक्शन विल बी 1/2। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 12 से इंक्रीज करना है, 12 प्लस 3 होता है 15 और 12 प्लस 8 होता है 20, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 3 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। क्या 3/4 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था? यस, 3/4 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ऑप्शन ही क्वेश्चन में दी गई दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, रीड कीजिए, देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बातें लिखी गई हैं। बोलता है द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स। एक कोई व्यक्ति है जिसके दो लड़के हैं और दोनों की एज का सम करके उसका ट्वाइस अगर कर दिया जाए तो उस व्यक्ति की उम्र निकल आती है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, एंड 5 years अगो, ये हो गई पहली कंडीशन जो अभी मैंने रीड किया आपके लिए, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन रीड करते हैं हम लोग, दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, 5 years ago his age was thrice the sum of their ages। 5 साल पहले जब यही रिलेशन निकाला जाता था तो ट्वाइस नहीं आता था, वो थ्राइस आता था। आइए ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, बातें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या दिया गया है पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है फादर की एज, फादर की एज दी हुई है 60। अगर फादर की एज 60 है तो हम यहां पर निकाल लेते हैं सम ऑफ एजेस ऑफ टू सन्स, तो ये आएगा 60/2। क्योंकि क्वेश्चन में हमें यह बोला जा रहा है कि दोनों बच्चों की उम्र को जोड़ लिया जाए तो जोड़ने के बाद दुगना किया जाएगा तब पिताजी की उम्र निकलेगी, तो पिताजी की उम्र की आधी होगी उन दोनों की एज का सम। 5 years ago 5 साल पहले फादर की उम्र रही होगी 55 और ये जो सम है, अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूं, ये जो सम है वो कितना रहा होगा, सम रहा होगा -5 -5, क्योंकि ये जो 30 है वो दो लोगों की एज का सम है, तो पहले बच्चे की उम्र भी 5 साल कम रही होगी, दूसरे बच्चे की भी उम्र भी 5 साल कम रही होगी। यहां भले ही हम लोगों ने सिर्फ एक बार 5 माइनस किया है, 60 - 5 = 55, लेकिन यहां पर चूंकि ये दो लोगों की एज का सम है हमको दो बार 5 माइनस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 20। और बोलता है 5 साल पहले वो 3 गुना था, क्या मुझे बताइए ये 3 times आ रहा है क्या, 20 का 3 times होता है 60, जबकि यहां पर कितना आ रहा है 55। इसका मतलब ये है कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो 3 times नहीं आ पा रहा है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के लिए चेक किया है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर हमें बाकी ऑप्शंस के लिए भी जल्दी जल्दी चेक कर लेना चाहिए। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में लिख नहीं रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे सीधे लिखते जा रहा हूँ फादर के लिए और सम। तो फादर के लिए मैं सिर्फ एफ लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिर्फ सम और फिर से फादर और फिर से सम, आप बात समझ जाइएगा यहाँ पर किस तरह से हम कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें फादर की उम्र दी गई है 52 years। अगर फादर की उम्र है 52 years तो 52 का आधा कर लीजिए सर, इसका सम आ जाएगा 26। 5 साल पहले ये रहा होगा 52 - 5 तो ये आ जाएगा 47 और ये 26 - 10, अब समझ गए होंगे 5 हमको दो बार माइनस करना पड़ता है तो ये कितना आ जाएगा 16। किसी भी तरीके से 3 times करने से 47 नहीं आता है, ये फिर से नहीं आ रहा है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन जल्दी से हम चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन में हमें 51 की एज दी गई है, ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सम कैलकुलेट करने पर ये डेसिमल में आ जा रहा है, दैट्स व्हाई मैं सी ऑप्शन चेक नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में जनरली एज रिपोर्ट नहीं की जाती है, तो मुझे लग रहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। शायद हम डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, डी ऑप्शन में फादर की एज दी गई है 50 तो दोनों बच्चों की उम्र का जो सम है वो आएगा 25। ये तो अभी का किस्सा कहानी है, 5 साल पहले इसकी उम्र रही होगी 45 और 5 साल पहले
इन दोनों की एज का सम रहा होगा 15, और मुझे बताइए 15 का 3 टाइम्स 45 आता है क्या? बिल्कुल, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, जब हम क्रॉस चेक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी जब अगर डी ऑप्शन तक जाना पड़ जाए तो थोड़ा सा समय हमें लग जाता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल तरीके में और भी ज्यादा समय हमें लगता है अगर लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए तो। हम चौथे क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, बोलता है अ नंबर बिटवीन 10 एंड 100। तो पहली शर्त तो यही हो गई सर कि वो नंबर 10 से बड़ा है और 100 से छोटा है। इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो दो डिजिट वाला वो नंबर है उसके डिजिट्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्वयं वही नंबर आ जाएगा। एक बार चेक करेंगे भी समझ में आ जाएगा। दूसरी शर्त दी हुई है, तो पहली शर्त यह है कि वो नंबर 10 और 100 के बीच में है। दूसरी शर्त यह है कि उस नंबर के दोनों डिजिट को जोड़कर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वापस वही नंबर आ जाता है। और तीसरी शर्त एक और दी गई है इस क्वेश्चन में, वो बोलता है इफ 9 बी एडेड टू इट, अगर उस नंबर में 9 ऐड कर दिया जाए तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। जो डिजिट यूनिट प्लेस में है वो टेंस प्लेस में चला जाएगा और जो टेंस प्लेस में है वो यूनिट प्लेस में आ जाएगा। कैसे चेक करना है देखते हैं। इस क्वेश्चन में तीन कंडीशन दी गई है, जो ऑप्शन इस क्वेश्चन में दी गई तीनों कंडीशंस को पूरा करेगा वो सही माना जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या दिया गया है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 54। तो मुझे बताइए क्या ये 54 जो है, पहली शर्त 10 और 100 के बीच में है? यस। दूसरी शर्त यह है कि 5 और 4 को जोड़कर 5 टाइम्स कर दिया जाए तो वापस वही नंबर आ जाना चाहिए। 5 प्लस 4 होता है 9, और 9 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आ रहा है जो कि 54 के बराबर नहीं है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई थी लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो पा रही है, दैट्स व्हाई पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हम दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन वहां पर दिया हुआ है 53। क्या पहली शर्त पूरी हो रही है? यस। तो पहली शर्त के बारे में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरी शर्त चेक कर लेते हैं सर, 5 और 3 को ऐड करके अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 40 आता है जो कि 53 के बराबर नहीं है। फिर से दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं सर, तीसरे ऑप्शन में हमें नंबर दिया गया है 45। बताइए क्या 45 जो है वो 10 और 100 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। दूसरा कंडीशन ये है कि 4 और 5 को ऐड करके अगर हम उसे 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो बताइए 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 45 आता है क्या? यस। तो दूसरी कंडीशन पूरी हो चुकी है। तीसरी कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन में ये बोला गया था कि उस नंबर में से अगर 9 माइनस कर दिया जाए, जो नंबर हमें दिया गया है उस नंबर में से अगर हम क्या माइनस कर दें, 9 माइनस कर दें तो 9 माइनस करने बोला था ना, क्या बोला था, इफ 9 बी एडेड, नाइन हमें एड करने के लिए बोला था, तो 9 ऐड करने से ये आ रहा है 54। बताइए डिजिट रिवर्स हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? जो यूनिट प्लेस में था वो टेंस प्लेस में चला गया और जो टेंस प्लेस में था वो यूनिट प्लेस में चला गया। तीनों की तीनों कंडीशंस यहाँ पर पूरी हो रही हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन में दी गई तीनों शर्तों को पूरा करता है, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अगर हम क्रॉस चेक करके सॉल्व करें तो, अदरवाइज एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना तो आपको पता ही है कि टाइम लगता है। एक्चुअल तरीका मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं किसी क्वेश्चन में। हम जल्दी से यहां पर पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पांचवे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोलता है द वेजेस ऑफ 8 मेन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम लोगों ने 8 मेन और 6 बॉयज टोटल 14 पर्सन्स को लगाया हुआ है और उनको जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो है टोटल अमाउंट 33। ये पहली कंडीशन। दूसरी, इफ 4 मेन अर्न 4.50 मोर देन 5 बॉयज, अगर 4 मेन का टोटल वेज कैलकुलेट किया जाए, 5 बॉयज का टोटल वेज कैलकुलेट किया जाए तो 5 बॉयज के कंपैरिजन में वो 4 मेन मिलकर कितने रुपए ज्यादा कमाते हैं, 4.50 ज्यादा कमाते हैं, ये इस क्वेश्चन की दूसरी शर्त है। हमसे बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय, एक मैन का कितना वेज रेट है और एक बॉय का कितना
वेज रेट है ये हमें पता लगाने के लिए बोल रहा है। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो एक मैन का वेज रेट होगा 1.50 और एक बॉय का वेज रेट होगा 3। वैसे तो मुझे देखकर ये ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि, और वहां पर आप देख भी पा रहे हैं, बोलता है 4 men earn 4.50 मोर देन 5 boys, 5 लड़के मिलकर उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जितना कि 4 men, एक जो एडल्ट पर्सन है वो आसानी से पैसा कमा ले रहा है। तो मेन का वेज रेट ज्यादा होना चाहिए बॉय के कंपैरिजन में। तो पहला ऑप्शन तो मैं चेक नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर कुछ उल्टी बात लिखी हुई है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन हम जरूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एक मेन का वेज रेट जो है वो 3 रुपए का है, जबकि बॉय का जो वेज रेट है वो 1.50 का है। शायद ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जल्दी से हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन में दी गई दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं। पहली शर्त क्या लिखी गई है, 8 men 8 multiplied by 3 प्लस कितने बॉयज थे, 6 boys अर्न करेंगे इतना, और ये टोटल होना चाहिए कितना रुपए, 33 rupees। देखिए जरा ये 33 आता है क्या, जल्दी से हम कैलकुलेटर ही यूज कर लेते हैं सर। 8 multiplied by 3 ये आ गया आपका 24, फिर 1.5 multiplied by 6 ये आ गया 9, और 24 में अगर 9 जोड़ा जाए तो कितना आता है, 33 आता है। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, पहली कंडीशन हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, उसमें बोला जा रहा है 4 men टोटल कितना पैसा कमाएंगे, 4 multiplied by 3 दैट इज 12, और 5 boys 5 multiplied by 1.5 ये कितना पैसा कमाएंगे, 7.5, और ये जो डिफरेंस है वो 4.50 रुपए का आना चाहिए। 12 में से अगर आप माइनस कर देते हैं 7.5 तो कितना आता है ये आपका, 4.5। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन में दी गई सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमसे, बोलता है अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 digits इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये ऐसा एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप रीड कीजिए, मैं जल्दी से आपको सॉल्व करवा देता हूं। ये इसी क्वेश्चन के जैसा है जो 4th question हमने सॉल्व किया था, ये इसी क्वेश्चन के जैसा है। हम जल्दी से सारे ऑप्शन चेक करते जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है इसका, 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 digits है। मान लेते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट, अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो 6 और 3 को ऐड किया जाए, 63 दिया है ना पहला ऑप्शन, लिख देता हूं सर एक बार, पहला ऑप्शन हमको 63 दिया गया है। बोलता है दोनों डिजिट्स को जोड़िए और जोड़ने के बाद उसका ले लीजिए 4 times। ऐसा करने पर बोलता है कि वापस वही नंबर आ जाना चाहिए जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था। 6 + 3 होता है 9 और 9 multiplied by 4 कितना होता है, 36। 9 multiplied by 4 कितना होता है, 36, जो कि 63 के बराबर नहीं है। सर पहली शर्त यहां पर पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 35 लिखा हुआ है, 35 के लिए अगर चेक करेंगे तो 3 + 5 multiplied by 4 ये हो जाएगा सर 8, और 8 multiplied by 4 32, जो कि 35 के बराबर नहीं है। अगेन बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन चेक करते हैं सर, सी ऑप्शन में हमको लिखा हुआ है 36। अगर 36 के लिए आप चेक करने की कोशिश करें तो आपको 3 और 6 को मल्टीप्लाई करके उसे 4 से, सॉरी 3 और 6 को ऐड करके उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 multiplied by 4 होता है 36, बताइए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली शर्त तो पूरी हो गई, दूसरी शर्त ये लिखी गई है कि इफ 27 बी एडेड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। देखते हैं 36 में 27 ऐड करके देखते हैं, 36 में अगर 27 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। बताइए क्या डिजिट रिवर्स हो गया है, बिल्कुल रिवर्स हो गया है, 3 की जगह 6 और 6 की जगह पर 3 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन में दी गई दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7th question देखते हैं क्या बोलता है, ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, कौन से हैं पता नहीं, 1/5 ऑफ द ग्रेटर, जो बड़ी संख्या है उसका 1/5 लेना है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, छोटी संख्या का 1/3 निकालना है, और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये है पहली शर्त।
एंड देयर सम इज 16, और वो दोनों नंबर्स ऐसे हैं कि उनको जोड़ने पर 16 आना चाहिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन भी, आइए वन बाय वन हम इसकी भी दोनों शर्तें चेक कर लेते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेवंथ क्वेश्चन का मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है 6 and 10, बोलता है बड़ी संख्या का 1/5 निकालना है, बड़ी संख्या का 1/5 निकालना है, आएगा 2। छोटी संख्या का 1/3 निकालना है, छोटी संख्या 6 है उसका 1/3 निकालना है, ये भी आएगा 2। बताइए दोनों बराबर आ रहे हैं। पहली शर्त तो पूरी हो गई सर, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त में बोलता है कि दोनों को जोड़ने पर 16 आना चाहिए, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन में दी गई दोनों शर्तों को पूरा करता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आठवां क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या बोलता है एट क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी। एट क्वेश्चन में पहली शर्त यह दी गई है, बोलता है वाई इज ओल्डर देन एक्स बाय 7 years, वाई की उम्र एक्स की उम्र से ज्यादा है और दोनों की एज के बीच का गैप कितना है 7 years, ये पहली शर्त। 15 years बैक, फिर 15 साल पुराना कुछ किस्सा कहानी बता रहा है हमको, 15 साल पहले एक्स एज वॉज 3/4 ऑफ वाईज एज, तो 15 साल पहले का भी एक रिलेशन दिया हुआ है। तो एक रिलेशन दिया गया है प्रेजेंट एज का और एक रिलेशन दिया गया है 15 साल पहले की उम्र का, तो उन दोनों के लिए हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है, अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो उसमें हमें एक्स की उम्र दी गई है 36 साल और वाई की उम्र दी गई है 43 years। तो पहली बात तो ये है कि y और x की उम्र का डिफरेंस एट प्रेजेंट आना चाहिए 7 years, कितना आना चाहिए 7 years, बताइए 7 years आ रहा है क्या, यस, एक कंडीशन पूरी हो गई। फिर 15 साल पहले x की उम्र रही होगी 36 minus 15 और y की उम्र रही होगी 43 minus 15। 36 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 21 और 43 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो ये कितना आता है, 43 माइनस 15 कितना आता है 28, 43 माइनस 15 28। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि तब उन दोनों की एज का रिलेशन क्या था 3/4, इसका एक बार 3/4 निकाल के देखते हैं। 28 का एक बार हम 3/4 निकाल कर देखते हैं क्या वो 21 आता है। 28 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, यस ये 21 आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन क्वेश्चन में दी गई दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए सर हम क्वेश्चन नंबर 9 में आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, बोलता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3-digit number, जो नंबर हमसे पूछा जा रहा है वो कितने डिजिट वाला है, 3 digit वाला है, तीनों डिजिट्स का सम करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है। पहली शर्त, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 495, अभी एक नंबर होगा रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर आएगा दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस आना चाहिए 495, ठीक है। बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट, अगर टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस को अगर हम सिर्फ आपस में इंटरचेंज कर लें तो वैसे केसेस में नंबर इंक्रीज हो जाता है मात्र 36 से। आइए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से हम यहाँ पर कंडीशंस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मान लेते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है, बताइए जरा पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 327। क्वेश्चन नंबर 9, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 327, पहली कंडीशन ये है सर कि इन तीनों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए, आ रहा है क्या 12, करेक्ट। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई है, दूसरी कंडीशन पूरी करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर इन डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, सॉरी डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो पहले 7 को लिखना पड़ेगा, फिर 2 को लिखना पड़ेगा, फिर 3 को लिखना पड़ेगा, ये डिजिट्स को रिवर्स करने पर प्राप्त होने वाला नया नंबर है, इस नंबर का पुराने नंबर के साथ डिफरेंस लेंगे और ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में बोलता है 495 आना चाहिए, देखते हैं 495 आ रहा है क्या। 723 माइनस 327 ये 396 आ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से ये आना चाहिए था कितना 495 नहीं आ पा रहा है सर, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो पाई इसलिए पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं
दूसरे ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन के लिए चेक करने पर वो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर उसे आप रिवर्स कर देंगे तो वो आएगा 273। जबकि उसमें ये बोल रहा है कि रिवर्स करने पर जो नया नंबर आएगा वो इंक्रीज्ड नंबर आना चाहिए, बड़ा नंबर आना चाहिए। और कितना बड़ा आना चाहिए? 495। तो ये ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहा है यहां पर, क्योंकि 372 के डिजिट को अगर रिवर्स करोगे तो आएगा 273, जो कि और छोटा नंबर आएगा। इसलिए मैं बी ऑप्शन चेक नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली चेक कर रहा हूं आपके लिए सी ऑप्शन। आइए सर सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 237, पहली कंडीशन। 2, 3 और 7 को ऐड करने से क्या 12 आता है? बिल्कुल आता है। दूसरी कंडीशन अगर रिवर्स कर दिया जाए तो पहले लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, और पुराना नंबर तो 2, 37 था ही। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 495 आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं 495 आ रहा है क्या। 732 minus 237, यस ये आ रहा है 495। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगा, एक और कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलता है पूरा का पूरा रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, यूनिट और टेंस प्लेस को ही रिवर्स करो, बस सिर्फ ये दो स्पेसेस को आपस में रिवर्स करना है। 2 एज इट इज आएगा सर, 2 एज इट इज आएगा। 7 और 3 इनका स्पेस आपस में चेंज कर देना है, 7 पहले आ जाएगा और 3 बाद में आ जाएगा। और इसे कंपेयर किया जा रहा है पुराने नंबर के साथ। पुराना जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो था 237, और कहता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 आना चाहिए। आइए जरा ये डिफरेंस 36 आ रहा है क्या। 273 minus 237, यस ये डिफरेंस जो है वो 36 का आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन में दी गई तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं सर हम लोग, 10th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर स्मॉलर वन बाय 18। दो नंबर दिया गया है, एक छोटा है एक बड़ा है। जो बड़ा नंबर है उसका भी दुगना करना है, जो छोटा नंबर है उसका भी दुगना करना है, और डबल करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस 18 आना चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन, 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर। फिर अगली बार क्या करना है, जो छोटी संख्या है उसका 1/3 निकालना है, जो बड़ी संख्या है उसका 1/5 निकालना है, और अब उन दोनों का बोल रहा है नंबर आर टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर 20 बनाना चाहिए। चलिए काफी सिंपल क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों शर्तें कौन से ऑप्शन के द्वारा सेटिस्फाई की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 36 और 45। तो आपको 36 को भी डबल करना है, 45 को भी डबल करना है, और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 36 का डबल कितना होता है 72, और 45 का डबल कितना होता है 90, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 18। क्या यही बोला गया था? बिल्कुल यही बोला गया था कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो चलिए सर पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त बोलता है कि 1/3 ऑफ द स्मॉलर, छोटी संख्या का 1/3 निकालना है। छोटी संख्या थी सर 36, और 36 का आपको निकालना है 1/3, तो ये आएगा 12, और बड़ी संख्या है 45, इसका बोलता है 1/5 निकालना है, तो ये आएगा 9, और इन दोनों को बोल रहा है टेकिंग टुगेदर, टुगेदर का मतलब है दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये आ रहा है 21। कितना आने की उम्मीद कर रहा था वो, 21 ही लिखा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन ही यहां पर क्वेश्चन में दी गई दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स की याद आएगी, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, लेकिन इकोनॉमिक्स से यहां पर कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है सर इक्वेशन से, जो दो इक्वेशन हमें वहां पर नजर आ रहे हैं P और Q के टर्म्स में। अगर दो इक्वेशंस दिए गए हैं जिसमें दो मिसिंग फिगर है, वेरिएबल्स हैं, दैट इज P की वैल्यू नहीं मालूम है, Q की वैल्यू नहीं मालूम है, तो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज पढ़कर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में जो एक इक्वेशन दिया गया है वो है 4Q plus 7P = 17। ये हो गया सर पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया गया है P इक्वल Q
टू बाई थ्री प्लस सेवन बाय फोर, ये दूसरा इक्वेशन है। हमसे बोला जा रहा है वेयर पी इज द मार्केट प्राइस, पी जो है वो प्राइस है, क्यू जो है वो क्वांटिटी है, ठीक है। देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी मींस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो पी की वैल्यू है वही इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और जो क्यू की वैल्यू निकल कर आएगी वही होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करें तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो तो क्यों ना हम क्रॉस चेक करके यहां पर सॉल्व कर लें। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि पहले हमको किसकी वैल्यू पूछी गई है। हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, मतलब आंसर में जो पहले रिपोर्ट किया गया है वो प्राइस है, जो बाद में रिपोर्ट किया गया है वो क्वांटिटी है। अगर मैं पहला ऑप्शन सही मान लूं तो इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए 2 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होना चाहिए 3/4। हम जो ऑप्शन क्वेश्चन में दी गई दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। हम सबसे पहले इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 4 और क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 3/4 प्लस 7 और पी की वैल्यू है यहां पर 2, ये 17 आना चाहिए। 4 और 4 कैंसिल हो गया, बचा 3, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14, 14 प्लस 3 होता है 17। लीजिए सर, हमारा पहला ऑप्शन पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन p की वैल्यू पुट कर देते हैं सर 2, q की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 3/4, ये लीजिए डिनोमिनेटर में पहले से 3 है और प्लस यहां पर है 7/4। थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 तो ऊपर ही रहेगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, यहां पर 3 और 3 हो गया कैंसिल, नीचे यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 7 हो जाएगा 8 और नीचे 4 है, डिवाइड होके आ जाएगा 2, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 भी यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन में दिए गए दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस है रुपीज 2 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।